Please subscribe my channel and press bell icon to get my latest videos. आज हम बनाएंगे चरखा। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। चिकन मैंने लिया है तकरीबन ये 1.5 किलो की है फुल चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह स्ट्रेन करने के लिए रख लिया था, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। आप भी कोशिश कीजिएगा कि पानी ना हो। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून है इसके अंदर, जायफल और जावित्री भी मैंने पीसी हुई है, काली मिर्च पाउडर लिया मैंने 1.5 टीस्पून, सॉल्ट मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने दही के लिए हैं, 2 लेमन्स का जूस लिया है मैंने, फूड कलर्स मैंने रेड एंड ऑरेंज इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालने तो आप ना डालें, 1 अंडा लिया है मैंने, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है और साथ ही 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। चिकन पे फट्स लगा लेते हैं, आप भी ऐसे ही लगा लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डीप कट्स लगाएंगे आप, क्योंकि अगर डीप कट्स नहीं होंगे तो ये चिकन अच्छी तरह मैरिनेट नहीं होगा। और इसको आप 5 से 6 घंटे रखते हैं या फिर फुल नाइट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, मगर मैं 5 से 6 घंटे रखूँगी क्योंकि मुझे डिनर में चाहिए। अब इसी तरह इसकी लेग्स पे भी कट्स लगाएंगे हम ऐसे। अब इसकी बैक साइड पर भी इधर से थोड़े से कट लगा लें, थोड़ा सा इधर से लगा लें ताकि मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए। अब हम इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले इसका मिक्सचर बना लेते हैं। एक बाउल में अंडा मैंने डाल दिया है, दही इसमें मैंने डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, तमाम मसाले, और ये फूड कलर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की पेस्ट बन जाएगी ऐसे, परफेक्ट है। इसमें कलर नमक का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आप भी इतना ही नमक यूज़ कीजिएगा, ना ये ज़्यादा होगा ना ही ये कम होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने कैसे बनाई है और आपको भी बनाने में आसानी होगी। ऐसे देखें ऐसी गाढ़ी सी पेस्ट हमारी बन गई है। अब हम इसको लगाते हैं, बर्तन में रखते हैं ऐसे। हम इसके मसाला अच्छी तरह लगाएंगे भर भर के। आपने आप भी ऐसे ग्लव्स पहन लीजिएगा, मैंने तो इसलिए ग्लव्स पहने हैं क्योंकि फूड कलर है और मैंने अच्छी तरह अंदर तक इसकी तहों तक मैंने ये मसाला डालना है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। ग्लव्स पहनने से ज़रा आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और मसाला बहुत अच्छी तरह से अंदर बाहर तक लग सकता है। ये देखें ऐसे अंदर भी लगाइएगा ताकि फुल इसका टेस्ट डिवेलप हो जाए, कहीं भी मसाला कम ना करें आप, हर जगह मसाला लगाएं अच्छी तरह और अच्छी तरह अंदर तक लगाएं। ये देखिए जैसे मैं इसके अंदर तक लगा रही हूँ, आप भी ऐसे ही लगाइएगा। ये देखिए अंदर तक जो कट्स हमने लगाए हैं उसके अंदर तक ये मसाला जाना चाहिए। वैसे भी हम साइड पे लगाएंगे इसका मसाला, इसको भी ऐसे ही आपने लगाना है कि अंदर तक इसके हर कट के अंदर मसाला चला जाए ताकि इसमें टेस्ट अच्छे से डिवेलप हो जाए। मैं अच्छी तरह से इसको हर तरफ से मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको 4 से 5 घंटों के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि फुल नाइट आप मैरिनेट करें ताकि ये ज़्यादा मज़े का बने। देखिए हमारे चिकन को 5 आवर्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसको
स्टीम कर रही हूँ पहले, उसके लिए पहले मैं इसकी ये लेग्स बांध दूँ। अपने ऐसे आपने भी ऐसे ही करके इसकी ये लेग्स ऐसे करके बांध देनी है। देखें ऐसे करके आप भी इसको ऐसे ही कस के ज़रा बांध दीजिएगा ताकि इसकी लेग्स खुले ना, जैसे मैंने बांध दिया है। देखिए मैंने ये चूल्हे का जो ऊपर वाला होता है इसका ये स्टैंड रख दिया है, इसके ऊपर मैं एक और स्टैंड रखूँगी। आप भी ऐसे कर लीजिएगा, ज़रा इजी हो जाएगा। अब उसके ऊपर मैं फॉइल कवर रखूँगी। मैं फॉइल कवर में थोड़े थोड़े कट्स लगा रही हूँ ताकि स्टीम अच्छे से अंदर पहुँच जाए। नीचे वाली साइड पर आपने भी ज़्यादा नहीं लगाने हैं, बस कहीं कहीं लगा दें ताकि थोड़ी थोड़ी स्टीम अंदर तक पहुँचे। मैं इसे ऐसे ही उठाकर स्टीम के लिए रखूँगी। 50 मिनट्स के बाद मैं इसे चेक करूँगी। 45 to 50 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। मैं इसका लिड बंद कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर आप इसको स्टीम में पकाएंगे। देखिए 50 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने कहा इसको चेक कर लें हम। 50 मिनट्स में या हर हाल में स्टीम हो चुका होगा। अब हम उसको चरखा बना लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त गल चुका है, शक्ल से ही लग रहा है कितना टेस्टी होगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम अब इसको डीप फ्राई करेंगे, फाइनल स्टेप करेंगे। डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ऑलरेडी मैंने गरम किया हुआ है, बहुत केयरफुली कीजिएगा। सिर्फ 3 मिनट्स हम एक साइड को करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत केयरफुली कीजिए, सिर्फ 3 मिनट्स हम दूसरी साइड से भी इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और बस ये देखें इस तरह इसको निकाल लेंगे, अच्छी तरह निचोड़ लें आप कीजिएगा। देखें बहुत मज़े का, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये और कितना जूसी है। कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है ये आपको देख के पता चल जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट है ये। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।